अभी अधूरे हैं, भारत को जोड़ने के, भारत की समता और सादगी से इस देश को बराबरी के रास्ते पर, ये जो हमारी आपस की लड़ाई है, उस लड़ाई को मिटा के सद्भावना के रास्ते पर चलाने वाले ईश्वर इस देश में एकमात्र चेहरा है जो जीवंत है, जागृत है, जो इस देश को समता से, सादगी से आगे बढ़ाने का, जोड़ के रखने का, बिना अखंडता का नारा दिए विविधताओं में एकता कायम करने का जिन्होंने इस देश में अलग जगाई है, वैसे सुब्बाराव जी को मैंने तो 50 साल पहले सुब्बाराव जी के साथ इसी तरह से बहुत कम उम्र में उनके साथ मेरा शिक्षण हुआ, इसलिए मैं तो हमेशा भाई जी को स्मरण रखता हूं। और भाई जी ने जिस सादगी से इस देश में युवाओं को सादगी से रहना और सादगी से रहकर अच्छे काम करना सिखाया, इस वक्त हजारों युवा हैं जो उनके रास्ते पर चलकर इस देश को सद्भावना की तरफ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, सुब्बाराव जी अकेले इंसान थे जो भाषाओं की विविधता को, वेशभूषा की विविधता को एकता में जोड़कर काम करने वाले, अभी भी हम लोगों को जागृत करने की शक्ति रखते हैं। आज वो 92 साल के हैं, हमारे बीच इस हॉल में नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ रहेंगे, हमें उनकी जरूरत है। इसलिए मैं एक बार फिर प्रभु से मंगल कामना करता हूं कि वो 125 साल जिए और जिस तरह अभी भी वो काम कर रहे हैं इसी तरह काम करते रहें। आज मुझे बस इतना ही कहना है, आज के दिन तो मुझे बस इतना ही बोलना है कि हम जगदीश भाई जी की जो विरासत है, भाई जी ने जिस विचार को बनाया है उसको आगे लेके जाने के लिए हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई जी की प्रेरणा से इसी तरह सदैव आगे लगे रहे। मैं जानता हूं हनुमान जी, दुबे जी, सब, मैं आप सबके नाम लेने की जरूरत नहीं समझता, सिद्धू जी, गुप्ता जी, हमारा राठी, मधु भाई, सब, नरेंद्र, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जवानी भाई जी के काम में लगाई। मैं इन सबको ये कहूंगा कि भाई जी की जो प्रेरणा है उसको हम अपने साथ बरकरार रखते हुए उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए सदैव लगे रहें, यही इस देश की सेवा का सबसे बड़ा काम होगा। मैं जानता हूं कि इस वक्त मानवता और प्रकृति दोनों पर संकट है, हम दोनों को लूटने में लगे हैं, हमारा लालच उन सब को लूटने में लगा है और इसी से गैर बराबरी, इसी से हिंसा हो रही है। भाई जी हमेशा अपने गीतों से, अपने प्यार से इस हिंसा को अहिंसा में बदलने का जो जज्बा रखते थे, अब कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता। इसलिए हमें भाई जी से हमेशा हमेशा ये प्रेरणा मिलती है, जिस सरलता से और जिस सहजता से वो लोगों को जोड़ के रखते थे वो शक्ति हम सबको मिले। मैं वो शक्ति चाहता हूँ जगदीश को भी मिले और इस हॉल में जो लोग बैठे हैं उन सबको मिले, हम सबको मिले, जिससे हम इस काम को, उनके इस अधूरे काम को आगे बढ़ा सकें। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।